उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है, और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा, इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा। और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यूर, आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग सफा। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है, जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर, कॉल 9826293590। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राज्य की योजनाओं पर की बात, भारी बारिश से उपजे हालातों पर भी की चर्चा। आज अयोध्या दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत रामलला के दर्शन कर देखेंगे निर्माण कार्य, संघ के 5 दिवसीय शारीरिक वर्ग में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरा, किसान डिग्री कॉलेज में संचारी रोग पखवाड़े का करेंगे शुभारंभ, पीएम के दौरे की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा, पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों से करेंगे मुलाकात, पैतृक गांव हरखूला में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 24 घंटों में देश में कम हुआ कोरोना संक्रमण, 1948 मरीज हुए कम, एक दिन पहले मिले थे 14,284 कोरोना संक्रमण। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ कृतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ आज खादी महोत्सव 2021 का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहाँ दोपहर सीएम आज बस्ती और कुशीनगर के दौरे पर भी जाएंगे, जहाँ बस्ती से प्रदेश भर में किसान डिग्री कॉलेज में से संचारी रोग पखवाड़े की शुरुआत करेंगे, तो वहीं कुशीनगर में पीएम के दौरे को लेकर स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज खादी महोत्सव 2021 का उद्घाटन करेंगे, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां दोपहर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती और कुशीनगर के दौरे पर भी जाएंगे, जहां बस्ती से प्रदेश भर में किसान डिग्री कॉलेज से संचारी रोग पखवाड़े की शुरुआत करेंगे, तो वहीं कुशीनगर में पीएम के दौरे को लेकर भी स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्तर और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव योजना के तहत
वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिलीप सिंह संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम? बिल्कुल कृपया बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करीब 10:30 बजे आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष का शुभारंभ करेंगे। वहां पे खादी महोत्सव का कार्यक्रम है। खादी महोत्सव में उत्तर प्रदेश के खादी जो प्रमुख सचिव खादी नवनीत सहगल के साथ वहां पे दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की मौजूदगी में भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां सामाजिक समरसता का भी एक कार्यक्रम है, उसमें करीब 1 घंटे का प्रतिभाग करेंगे। फिर उसके बाद उनका बस्ती और कुशीनगर का दौरा है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है, राजधानी लखनऊ का मौसम खराब है, चूंकि मुख्यमंत्री का बस्ती और कुशीनगर दौरा भी हो, कल वहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री को बस्ती जाना है। जो अगर जिस तरह से मौसम खराब है, हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर से न जा करके बाई रोड भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए। और बस्ती में ही संचारी रोग नियंत्रण को लेकर के भी कार्यक्रम है, उसमें भी शामिल होना है। यहाँ संचार रोग अभियान की भी शुरुआत करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इसका क्या कुछ प्रमुख उद्देश्य होगा? बिल्कुल बता दें कि कृतिका की उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में संचारी रोग की जो समस्या है वो काफी लंबे समय से रही है, और यही मौसम होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में जहां पर संचारी रोग अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली है तब से इस पर संचारी रोग पे काफी काम किया है, जो काफी नियंत्रण में भी है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक भी किया है, और चूंकि संचारी रोग शुरू हो चुका मौसम है, तो उसको लेकर के तैयारियों का जायजा और कैसे इसका रोकथाम किया जाए, उसके एक टोल फ्री नंबर और वहां के डॉक्टरों के साथ भी वार्ता करके इस पर पूरी तरह से कैसे नियंत्रण किया जाए इस पर भी वार्ता करेंगे। जी दिलीप, इससे क्या कुछ लोगों को फायदा देखा जाएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है इस तरह के रोग पनपते ही जा रहे हैं? कृतिका, जैसा बताया कि पूर्वांचल में संचारी रोग एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने काफी हद तक नियंत्रण किया है, और जो जो 4-5 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है संचारी रोग से होने वाली मौतों पे, उस पर काफी कमी आई है। और पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत उसके पहले पिछले वर्ष भी काफी नियंत्रित रहा है, तो मुख्यमंत्री इसी सब को लेकर के ये किसी तरह से पूरी तरह से ये नियंत्रण में आ जाए, उसको लेकर के आज वो बैठक करेंगे। और साथ में जो चूंकि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, कल वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे का उद्घाटन होना है, और प्रधानमंत्री के साथ श्रीलंका का डेलीगेशन भी आ रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री बस्ती और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। जी बिल्कुल दिलीप, आप बने रहिए हमारे साथ आने खबरों के अपडेट के साथ। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिन के अयोध्या के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वे अयोध्या में अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शिविर में शामिल होंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे में भागवत राम मंदिर निर्माण स्थल का दौरा कर चल रहे कार्यों का भी जायजा लेंगे। इस शिविर में भागवत के अलावा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, राष्ट्रीय प्रमुख सुनील कुलकर्णी, सह प्रमुख जगदीश प्रसाद और करीब 45 रतीय इकाइयों के 500 पदाधिकारी भी इस शिविर में शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये शिविर 21 अक्टूबर तक चलेगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस प्रमुख 5 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां वे राम मंदिर निर्माण के कार्य का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख 2 दिन के अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं, और अयोध्या में अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शिविर में वे शामिल होंगे। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिलीप सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्या कुछ जानकारी यहाँ देखा जा रहा है, आरएसएस प्रमुख अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल कृतिका, बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली बार राष्ट्रीय सेवक संघ का शारीरिक वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो 18 तारीख से 21 अक्टूबर तक चलेगा। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत
कल रात में ही पहुंच गए हैं, उनके साथ दत्तात्रेय हसबोले और कई केंद्रीय पदाधिकारी भी हैं। और ये पूरा कार्यक्रम कार्यसेवा पूरा विश्व हिंदू परिषद का कार्यसेवा क्रम है, वहाँ पे आयोजन किया गया है। उसकी तैयारियों को लेकर के कल मुख्यमंत्री ने भी इसमें वार्ता की थी, और चूंकि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने वहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वार्ता किया था कि किसी प्रकार की कोई चूक या सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक न रहे, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय सेवक संघ का जो पहली बार आयोजित किया जा रहा है अयोध्या में। चूंकि खुद वहाँ पे संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय हसबोले के साथ कई पदाधिकारी भी वहाँ पे मौजूद होंगे, और इस कार्यक्रम में शारीरिक वर्ग शिक्षा से जुड़े हुए लगभग करीब 500 ऐसे कार्यकर्ता है। दिलीप यहाँ मोहन भागवत रामलीला के दर्शन भी करेंगे और वहाँ निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। बिल्कुल, कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहाँ पे संवाद स्थापित करेंगे, उसके बाद वो रामलला वरपुर राम के दर्शन करने के लिए उधर मंदिर जाएंगे। वहाँ पर दर्शन करने के उपरांत जो कंपनियाँ वहाँ पे राम मंदिर निर्माण कार्य में लगी हुई हैं उनके उनके इंजीनियरों के साथ वार्ता करेंगे, और जो समिति है राम लला मंदिर के तैयारियों में जो समिति बनाई गई है उसके साथ भी बैठक कर रामलला के मंदिर के तैयारियों में अभी तक क्या तैयारियाँ हुई हैं और कब तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा, और इसके क्या जो संरचना है राम मंदिर की उस पर भी वो वार्ता करेंगे। दिलीप, जो शारीरिक वर्ग सम्मेलन है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाए और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? बिल्कुल, करके बता दें राष्ट्रीय सेवक संघ जो है हमेशा हर चाहे शिक्षा के वर्ग में हो, चाहे शारीरिक वर्ग में हो, चाहे सामाजिक संगठन को सामाजिक संतुलन को कैसे बनाए रखना है, ये समय समय पे इनका कार्यक्रम ये आयोजित करते रहे हैं। लेकिन जो अयोध्या में जो ये कार्यक्रम है शारीरिक वर्ग शिक्षा का, इनके जो पदाधिकारी होते हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में हर क्षेत्र में निपुण होने के लिए उनको पूरी तरह से तैयार किया जाता है, चाहे उनको प्रचारक बनाना हो, चाहे शिक्षा के जैसे इनके सरस्वती शिशु मंदिर के जो शिक्षा का एक वर्ग है उसको लेकर के भी समय समय पर ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जो अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है इसमें शारीरिक शिक्षा का है, इसमें यह है कि अगर हमारे जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है जो कार्यकर्ता है अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तो बिल्कुल, यानी साफ तौर पर ये शिविर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्य और योजनाओं को लेकर चर्चा की और प्रदेश में भारी बारिश के दौरान उपजे हालातों पर भी चर्चा की गई। वहीं बड़ी खबर, जहां पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा रहेगा। आपको बता दें कि जहां पार्टी पदाधिकारियों से और अधिकारियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पैतृक गांव हरखूला में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों से वे मुलाकात करेंगे। साथ ही पैतृक गांव हरखूला में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों की वे सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है, जहां वे पार्टी पदाधिकारियों और तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही पैतृक गांव हरखोला में भी वे एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई विकास कार्यों की यहां सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैलाश जी जुड़ गए। कैलाश, क्या कुछ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज अपने पैतृक गांव पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री धामी के पैतृक गांव हरखोला में के आवाज से 200 मीटर की दूरी पे भोले देवता का मंदिर है। वहीं उनके आवाज से 150 मीटर की दूरी में हरिचंद का मंदिर है। वहां पर ये ऐतिहासिक आज के दिन ऐतिहासिक मेला लगता है, लोग दूर दराज से आते हैं। सूचना के अनुसार पुष्कर सिंह धामी विधायक बनने के बाद करीब चार साल पहले मंदिर में आके पूजा अर्चना कर गए थे। इस बार भी
पूजा अर्चना होती है और ग्रामीणों ने उनको एक निमंत्रण भी किया गया था। जी कैलाश, अपने पैतृक गांव जब वो पहुंच रहे तो यहाँ कई विकास कार्यों की सौगात देने का भी कार्यक्रम है? मैम, जब से वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उनके गांव में सड़क की बहुत समस्या थी। लगभग अगर कोई भी बीमार व्यक्ति होता था तो उसको टोली में कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर टोली से लेकर मुख्य सड़क पर ले जाने के लिए मजबूर थे। उस गाँव में युवाओं की संख्या भी करीब 20 से 25 युवा है। युवा शिक्षा के लिए काफी जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। ग्रामीण को काफी अपेक्षा थी कि हमारे गांव में अगर सड़क बन जाती तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आज उनके गांव में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनते ही उनके गांव में सड़क पहुंच गई है। जी, यानी कई विकास कार्यों की यहाँ वे सौगात देंगे। कैलाश, यहाँ देखा जा रहा है कि पिथौरागढ़ पहुंचकर भी वे तमाम पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आज करने का आज का दौरा है इनका पैतृक गांव का एक ही दिवसीय का बताया जा रहा है। और यहाँ पे काफी रविवार शाम से काफी बारिश है, नाले उफान पे है और सड़कों में पानी आ रहे हैं। जी धन्यवाद कैलाश तमाम जानकारी के लिए। वही पूर्व विधायक डॉक्टर स्वदेश कुमार बीएसपी में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर स्वदेश कुमार ने लखनऊ में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जहां पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर स्वदेश कुमार को आगरा का सुरक्षित लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर स्वदेश कुमार पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय नारायण सिंह सुमन के पुत्र है और लंबे समय के बाद उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी हुई है, जिसके बाद सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं जिला अध्यक्ष विमल वर्मा ने पत्र जारी कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। बलरामपुर जिले के शिवपुर इलाके के मोतीपुर ग्राम सभा के गोकुली गांव में बुखार आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। बताया गया है कि ग्राम सभा इलाके में कुछ दिन पहले 7 मासूमों समेत 9 लोगों की बुखार से मौत हो गई थी और अब फिर बुखार उल्टी दस्त ने गांव में दस्तक दे दी है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके के लोग देवीय प्रकोप मानकर इलाज कराने से भी कतरा रहे हैं, जिसके कारण मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गांव का दौरा किया तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इलाके में कैंप लगाने के आदेश दिए हैं। दूषित पानी का उपयोग करने से भी मना किया गया है। ये 5 यहीं भर्ती है ना? अच्छा। ये आप लोग कितने दिन से बच्चे बीमार रहते हैं? कहीं से 5-4 वर्ष से होगा बीमार। हमें सूचना मिली आशा द्वारा कि गांव में 4 बच्चे एक्सपायर, हमारी टीम के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो उस समय स्थिति थी तो 10 और डायरिया के ही पेशेंट थे। इसमें से जो 2 बच्चे खत्म हो गए तो परिवार वालों से पता चला कि ये माता जी का प्रकोप है, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं गए। और जो बच्चे सीरियस थे उन लोगों को हम लाके यहाँ मथुरा पीएचसी पे एडमिट करा दिए हैं, सभी ठीक है, एक बच्चे की हालत। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के कई स्थानों पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन किया गया, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। भारतीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह के नेतृत्व में मौजमपुर नारायण जंक्शन पर भी रेल रोको आंदोलन किया गया। बता दें कि कृषि कानून और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर रेल रोको आंदोलन किया गया है। रेल की पटरी पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। जिलाध्यक्ष भारतीय बिजनौर, ये एक दिन लखीमपुर में जो एक सुनियोजित हमला करा गया, गृह राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री का पुत्र खड़े हुए निर्दोष लोगों पर अपने वाहन को शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए उन्हें की निर्मम हत्या करी गई। ऐसे गृह मंत्री को तत्काल पद से मुक्त करा जाए और 120 बी का वो मुलजिम है उसे गिरफ्तार करा जाए। रेलवे ट्रैक रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ है,
सब किसान लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बात कही, संबोधित किया और ज्ञापन जो है वो मुझे सौंप दिया है। और किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई, ना कोई ट्रेन रोकी गई, ना ट्रैक बाधित। देखिए आज इनके राष्ट्रीय आह्वान था इस तरह का ट्रेन रोकने का, लेकिन भारतीय किसान यूनियन बिजनौर के पदाधिकारी लोग यहाँ मौजमपुर नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर आए, उन्होंने शांतिपूर्ण यहाँ पे अपनी वार्ता करके और ज्ञापन दिया। वहीं बांदा में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने रेलवे ट्रैक पर जाम करके सरकार विरोधी नारे लगाए। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल देने की घटना से आक्रोशित किसान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग की गई है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगे भी आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। जो किसानों की हत्या हुई है लखीमपुर में, उसके विरोध में आज हम लोग पूरे देश में रेल चक्का जाम है। बांदा में भी हम लोगों ने बुंदेलखंड किसान यूनियन ने रेलवे पटरी पर बैठ के प्रदर्शन किया और हमारी मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जेल भेजा जाए। बलरामपुर जिले के हरैया थाना इलाके के कठकुइया गांव में बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मृतक के परिजनों समेत गांव के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मामला पुरानी रंजिश को लेकर था, जिसमें आरोपियों ने मृतक व्यक्ति को कुछ महीने पहले गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी, मगर बीजेपी नेता कृष्ण कुमार व्यक्ति बच गया था। हालांकि इस बार आरोपियों ने मृतक बीजेपी नेता कृष्ण कुमार को धारदार हथियारों से हमला कर दिया और फिर ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इधर परिजनों समेत गांव के लोगों ने हत्या के मामले को लेकर सड़क पर शव रखते हुए चक्का जाम कर दिया। हालांकि अधिकारियों के समझाइश पर प्रदर्शन बंद कर दिया गया। उधर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई में जुट गई। कृष्ण प्रकाश शुक्ला की मृत्यु हो गई, इस संदर्भ में उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। साक्ष्य एवं गुणदोष के आधार पर शीघ्र इस विवेचना का निस्तारण किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद नगर के एक किराना व्यापारी ने नगर के दो अन्य व्यापारियों पर उसकी दुकान का फर्जी बैनामा कराने और उस बैनामे के आधार पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। इधर एक व्यक्ति ने मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल भी किया और 1 करोड़ की अवैध वसूली की मांग की है, तो वहीं पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस से मामले की शिकायत कर दी। हालांकि पुलिस ने एक व्यक्ति को मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। जन के 5-6 लोग मेरी नवनिर्माण दुकान पर आए और 1 करोड़ रुपए की मुझसे रंगदारी मांगने लगे। ना देने पर दुकान पर तार डाल के जाने की धमकी देने लगे। उनके साथ ताला भी था मेरे। उसके बाद उन्होंने एक व्हाट्सएप कॉल कराई जिसमें दूसरा आदमी अपने आप को अनिल दुजाना बोल रहा था। बोले इनको 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था करा दो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे, आपके बच्चों को जान से मार देंगे। वहीं आगरा से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगरा के नयापुरा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां घटना विजय घड़ी भदरोली में रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जहां बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि आगरा के नयापुरा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां विजय घड़ी भदरोली का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। वहीं देहरादून में बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नौकरी दिलाने के नाम पर खुद को सचिवालय का सचिव और अपर सचिव बताया। इधर 9 लोगों ने आरोपियों पर भरोसा करते हुए 62 लाख रुपए दे दिए। युवकों ने पैसा तो दे दिया मगर नौकरी नहीं मिली, बस फिर क्या था। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत कर दी और पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
ऐसा नहीं किया जाता कि पैसे की एवज में कहीं पर नौकरी दी जाए। ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कि प्रारंभिक जांच एक करवाई गई थी और प्रारंभिक जांच के बाद मेरे ही आदेश से एक मुकदमा पटेल नगर थाने में दर्ज है, उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और अगर इस तरीके से अगर कोई इन्वॉल्वमेंट, किसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। चमोली जिले के सैन्य बाहुल सवाड़ गांव में 21 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पंचायत भवन सवाड़ में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने बैठक के दौरान सभी को यात्रा की तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने इस मौके पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों को भी नमन किया। हर शहीद के घर से तो घर की बहुत मिट्टी को लेकर आएंगे, एक कलश में रख लेकर, और उसके परिवार को एक धाम का सम्मान पत्र हम देंगे और पवित्र मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा। उसकी शुरुआत गढ़वाल में आज 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सवाड़ से करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में हो रही बारिश को लेकर नजरे बनाए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश को लेकर आपदा कंट्रोल रूम जाकर जायजा लिया और आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों से अपील की है कि कल तक कोई भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर न जाए। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6000 लोग थे उसमें से लगभग 4000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2000 लोग बचे हैं उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और पूरे 24 घंटे का अलर्ट है। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में हो रही भारी बारिश पर सरकार लगातार निगरानी रख रही है। वहीं अपर सचिव ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चंपावत में एक और पौड़ी में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते कल तक कोई भी चारधाम यात्रा पर ना जाए, जहां पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि मौसम के खुलते ही श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर सकेंगे। आज के लिए तो पहले से हमने कहा है ट्रैवल वगैरह अवॉइड करने के लिए, जो 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 जगह में वो स्पेशल पे एडजस्टमेंट करेंगे। कल दिन के बाद मौसम छोड़ने का एमडी का फोरकास्ट है, सो जैसे कल 10 बजे 11 बजे के बाद जैसे मौसम रिव्यू करेगा उसके अनुसार वो आगे का प्लान कर सकते हैं। पौड़ी में बारिश का कहर लगातार जारी है। लैंसडाउन तहसील के समखाल में मलबा आने से 5 लोग मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे में घायल 2 लोगों को अस्पताल में ले जाया गया, जबकि 3 अन्य महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। डेंगू हट पर हट चल हट और डेंगू।
बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैंस। इस हर वर्ल्ड का फील में दशन, दशन का ये दशन है। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मंजिले हो चाहे जितने पर राह सबकी एक। डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत।